घर के बेसिक सामान जैसे कि ब्रेड, दूध और मलाई से बनाई गई ये मटका कुल्फी बनाने में जितनी आसान है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे मटका कुल्फी बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ब्रेड मटका कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है और यहाँ पर मैंने 3 वाइट ब्रेड लिए हैं और इनके साइड्स निकाल दिए हैं। और हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ देंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखें, तो वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड से भी बनाया था, एकदम परफेक्ट बनी थी, बस कलर हल्का सा डार्क आता है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 15 बादाम और यहाँ मेरे पास है करीब 15 काजू, क्योंकि आज हम केसर पिस्ता फ्लेवर की मटका कुल्फी बना रहे हैं। तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स और अब हम इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको पीस लिया है और आप देख सकते हैं सब अच्छे से पिस के बिल्कुल एक सार हो गया है। और आइए अब दूध को कुक करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पैन लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 3 कप दूध। तो ये फुल फैट मिल्क है, तो अभी कोशिश करके फुल फैट मिल्क का यूज़ करें। इसको हम चलाएंगे और इसको हमें थोड़ा सा थिक करना है, बहुत ऐसा आधा क्वांटिटी नहीं करनी है इसकी, बस इसको इतना मिलाना है कि हल्का सा ये उबल जाए और थिक हो जाए। तो ये दूध मैंने ऑलरेडी एक बार उबाल लिया था, ये कच्चा दूध इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। ये देखिए, दूध को मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक कुक किया है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें डाल दूंगी करीब 1/4 कप मलाई। तो अगर मलाई नहीं है तो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आप ना इस्तेमाल करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे काफ़ी रिच टेस्ट आता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे दूध में और अब इसके साथ हम डाल देंगे इसमें अपना ब्रेड का मिक्सचर। तो हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने सब डाल दिया है और आज को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और आप देख सकते हैं कि केसर जो है वो घुलना शुरू हो गई है और जैसे जैसे वो घुलती जाएगी इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा और खुशबू भी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि आज हम केसर पिस्ता फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े चॉप किए हुए पिस्ते। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे और अब बस कुछ ही देर में देखेंगे कि ये थिक होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो ब्रेड है वो अच्छे से सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और जो हमारा मिक्सचर है वो काफ़ी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 टेबलस्पून यानी कि 1/2 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वैसे इतना शक्कर इसमें परफेक्ट रहता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, नहीं तो इसके ऊपर जो है मलाई की एक लेयर आ जाएगी और वो फिर खाने में हमारी जो मटका कुल्फी है बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और क्योंकि ये मिक्सचर बहुत गर्म है, जब तक ये ठंडा होगा तो ये और भी थिक होता जाएगा। ये देखिए, मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है और इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है। और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है, हमने इसमें कंडेंस मिल्क और मावा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और आइए अब हम इसको छोटी छोटी मटकियों में भरते हैं। हम इसको हाथ से इस तरह से टैप कर देंगे, इससे अच्छे से सेट हो जाएगी और इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते के साथ और थोड़ी सी सैफ्रन के साथ। और अब हम इसको क्लिंग रैप से कवर कर देंगे जिससे कि इसमें हवा नहीं जा पाए और इसमें जो है आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और अब हमें इसको डालना है डीप फ्रीज में, 5 से 6 घंटे में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। और अब मैं दिखाऊंगी आपको इसको जमने के बाद। आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, परफेक्ट बिल्कुल जमी है ये। मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यमी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।